तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि PUBG मोबाइल के अंदर जो आप लोग का न्यू कलेक्शन लेवल फीचर इवेंट आया है, मतलब जो सिस्टम आया है, तो इसके अंदर लेवल अप आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे तरीके बताऊंगा, जहाँ पर आप लोग उस तरीके को अगर फॉलो करते हो तो आप लोग बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली आप लोग जो है यहाँ पर लेवल अप कर सकते हो। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि तुम्हारा खुद का ही तो यहाँ पर लेवल कम है, तो तुम क्या यहाँ पर बताओगे। एक्चुअली ये जो आईडी है ये मेरा रियल आईडी नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि मैं एक BGMI प्लेयर हूँ फुल्ली, तो एज ए रिजल्ट मेरा जो आईडी है वो BGMI के अंदर शिफ्ट हो चुका है मेन आईडी। तो एज ए रिजल्ट ये जो आईडी है ये मेरा पबजी मोबाइल का बस सेकेंडरी आईडी है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट मेन आईडी अगर होता तो मेरा अब तक 70 के करीब यहाँ पर इजीली हो जाता, 65 to 70 तो इजीली हो जाता लेवल। तो जो भी हो, यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर लेवल अप फर्स्ट कैसे करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए थे कि मेरे लास्ट वीडियो के अंदर कि एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों का लेवल कैसे डिपेंड होता है। ठीक है, लेवल आप लोगों का अगर सिंपल वे में बताऊँ तो आप लोगों के पास, आप लोगों के इन्वेंट्री के अंदर, आप लोगों के अकाउंट की इन्वेंट्री के अंदर जितना ज़्यादा आप लोगों का आइटम होगा उसी हिसाब से आप लोगों को यहां पर जो लेवल अप आप लोगों का डिटरमाइन होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लोगों के आईडी के अंदर 10 मिथिक आइटम है, तो आप लोगों का जो है हर एक मिथिक आइटम का अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो उन वैल्यूज़ को आप लोगों का एडअप होते होते यहाँ पर जो है पॉइंट्स आप लोगों को मिलेगा, एंड वो पॉइंट्स को ही कैलकुलेट करके आप लोगों का लेवल जो है डिटरमाइन होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक मतलब लेवल के लिए आप लोगों को कितना कितना पॉइंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लेवल 2 आप लोगों का होने के लिए आप लोगों के पास 10 आप लोगों का वैल्यू पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, लेवल 3 होने के लिए 20 आप लोगों के पास वैल्यू पॉइंट्स होना चाहिए। ऐसे आप लोगों का जो है वैल्यू पॉइंट्स जैसे जैसे होगा उसी हिसाब से आप लोगों का जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, आईडी का लेवल एंड ये लेवल अलग है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूज हो रहे थे कि आप लोगों का आईडी का लेवल 71 है तो यहाँ पर मेरा कम क्यों है। तो ये आईडी का लेवल अलग है, ये लेवल अलग है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि आप लोगों का इन्वेंट्री के अंदर जो जो आइटम्स है हर एक आइटम का एक अलग से वैल्यू है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मिथिक का 20 वैल्यू है, फिर आप लोगों का लेजेंडरी का 15 वैल्यू है। ये हर एक जो वैल्यू है वो आप लोगों का ऐड होगा। ठीक है, एंड वो सारे आइटम्स का टोटल ऐड होके जो आप लोगों का अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप लोगों का ये येलो बार है, तो उसी अमाउंट के हिसाब से आप लोगों का जो है लेवल 19, 20 या मतलब ऐसे ऐसे आप लोगों का जो है लेवल आप लोगों का होगा। ठीक है, आप लोगों का आईटी के अंदर जितना ज़्यादा आप लोगों का आइटम्स होगा उतना ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पर जो है लेवल अप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोगों का आइटम्स का क्या क्या कितना वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो इमेजेस है वो देख सकते हो, जहाँ पर आप लोग का जो गिल्ट वाले जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप लोग का अल्टीमेट जो आइटम्स होते हैं उनका वैल्यूज आप लोग देख सकते हो 45 करके आप लोगों का हर एक आइटम का है। ठीक है, आप लोगों का जो एक सूट है उसके 165 है, फिर आप लोगों का मिथिक वाले आइटम्स के आप लोगों का जो है 15 है। ठीक है, लेजेंडरी वाले आइटम्स का कुछ आप लोगों का 6 है, 8 है, 5 है, ऐसे है। ठीक है, आप लोगों का हेड गियर वाले जो लेजेंडरी होंगे वो आप लोगों का वैल्यू कम होगा, एंड जो आप लोगों का आउटफिट लेजेंडरी होगा उसका वैल्यू आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर आप लोगों का जो स्पोर्ट्स कार वगैरह जो है उनका वैल्यूज आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, थोड़े थोड़े आइटम्स के मैं यहाँ पर दिखा दिया कि आप लोग का कैसा कैसा जो है वैल्यू इन सब का होने वाला है, मिथिक, लेजेंडरी, फिर आप लोगों का अल्टीमेट, इनका कैसा कैसा वैल्यूज रहेगा वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अब आइटम्स आप लोगों को कैसे ज़्यादा मिलेगा चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेट ओपनिंग करो। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप लोग क्रेट ओपनिंग करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को क्रेट से आप लोगों का आइटम मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का मिथिक अगर मिल गया तो बहुत ही ओपी, लेजेंडरी भी आप लोगों का अगर मिलता है वो भी आप लोगों का यहाँ पर काउंट होगा, उसका भी वैल्यू है। एपिक भी मिलता है तो उसका भी वैल्यू है, फिर आप लोगों का नॉर्मल अगर मिलता है तो वो भी, उसका भी आप लोगों का वैल्यू है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्रेट ओपनिंग करो। इसके बाद आप लोगों का जो मिथिक फॉर्ज इवेंट है उसके अंदर मिथिक एम्ब्लेम के थ्रू आप लोग जो है यहाँ पर चीज़ों को रिडीम करो। वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स आप लोगों को रिडीम करने के लिए मिल जाता है, कम मिथिक एम्ब्लेम में अभी आप लोगों को आइटम्स मिल जाता है, तो आप लोग जो मिथिक एम्ब्लेम फ्रैगमेंट्स है वो आप लोगों को फ्री में ही मिल जाता है, तो आप लोग उनके हेल्प से आप लोग जो है यहाँ पर जो है मिथिक एम्ब्लेम बना के आप लोग यहाँ पर मिथिक फॉर्ज से आप लोग आइटम रिडीम करो। इसके अलावा आप लोग अलग अलग जो आप लोगों का इवेंट्स है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का अलग अलग जो इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर से आप लोग मिशंस वगैरह कंप्लीट करके आप लोग को स्किन्स वगैरह, आउटफिट्स वगैरह मिलता है, उनको आप लोग कंप्लीट करो। ईजी हो या हार्ड हो आप लोग उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोगों को बस आइटम्स लेने से मतलब है, क्या मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है, आप लोगों को बस आइटम मिलने से मतलब है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर सिल्वर से या एजी से आप लोग जो है आइटम्स को रिडीम करो। जैसे कि आप लोग का शॉप के अंदर सिल्वर से भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, फिर एजी से भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो उन सबको आप लोग यहाँ पर रिडीम करो। एजी से, फिर आप लोगों का सिल्वर से आप लोग रिडीम करो, तो वो सारे आप लोग रिडीम करोगे तो उससे भी आप लोगों का फायदा है कि आप लोगों का उसका भी कुछ वैल्यू आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का कभी कभी आप लोग का लॉबी के अंदर एक स्पेशल एयर ड्रॉप आता है, तो उसके अंदर भी आप लोगों का एजी से चीज़ें आइटम आते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर से आप लोग कलेक्ट करो,
क्योंकि वो होता है आप लोगों का रेयर वाले चीज़ें। अब रेयर वाले चीज़ें का नॉर्मली वैल्यू कम है, लेकिन एयर ड्रॉप के अंदर अगर वो रेयर चीज़ आता है ना तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये एक आप लोगों का हिडन चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद आप लोग प्राइस पाथ इवेंट जो आता है ना तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, क्योंकि प्राइस पाथ इवेंट के अंदर भी आप लोगों का जो मिथिक वाले चीज़ है वो आप लोगों को ईजिली मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा यूसी तो आप लोगों का कॉस्ट करेगा, लेकिन यूसी के हिसाब से वो आइटम्स जो है आप लोगों को बहुत ही ओपी मिलता है, क्योंकि सिर्फ मिथिक तो आप लोगों को नहीं मिलता है, बीच बीच में आप लोग को लेजेंडरी आइटम भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर प्राइस पाथ इवेंट के अंदर से भी आप लोग चीज़ों को रिडीम करो। इसके अलावा आप लोग आरपी से जो है फ्री पास अगर लेते हो, मतलब आप लोग रॉयल पास नहीं लेते हो, तो फ्री पास के भी मिशंस करो। उसके अंदर भी आप लोग का जो स्किन्स आउटफिट्स आप लोग का रहता है उनको आप लोग कलेक्ट करने की कोशिश करो। एंड आरपी अगर लेते हो तो उसको तो कलेक्ट कर ही रहे हो। इसके बाद आप लोग का जो अपग्रेडेबल वाले स्किन्स अगर आप लोगों के पास है ना तो उसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपग्रेड करो। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अगर आप लोगों के पास अपग्रेडेबल वाले स्किन्स है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक ईएमपी का स्किन है जो आप लोग का अपग्रेडेबल वाला है लेकिन लेवल 1 है, ठीक है, तो अगर आप लोग उसको अपग्रेड नहीं करोगे तो उसका वैल्यू कम है, एंड जितना ज़्यादा आप लोग अपग्रेड करोगे उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ईएमपी 45 का आप लोगों के पास एक अपग्रेडेबल वाला स्किन है जो आप लोगों का वैल्यू अभी है 5, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोग उसको लेवल 2 के अंदर आप लोग अपग्रेड करोगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 7, उसके बाद आप लोग लेवल 3 करोगे उसका वैल्यू हो जाएगा 8। ऐसे आप लोगों का जो स्किन है वो आप लोगों का अपग्रेड करते करते अपग्रेडेबल वाली जो स्किन है जितना ज़्यादा अपग्रेड करोगे उसका जो वैल्यू है वो आप लोगों का बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो आप लोगों का यहाँ पर जो है सारी की सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो करो जो जो चीज़ें मैंने बताया। तो जितना ज़्यादा आप लोग अपने इन्वेंट्री के अंदर आइटम्स रखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का जो है वहाँ पर वैल्यू आप लोगों का इंक्रीज़ होगा, एंड उतना ज़्यादा आप लोगों का जल्दी यहाँ पर जो है लेवल अप होगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट्स बताना, एंड ऐसे कंटेंट्स पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको सब नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, एंड एक पैसा कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को ही रखते हैं, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।